हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल केविन मोदी में। और मैं हूँ केविन मोदी और आज मैं लेके आया हूँ सैमसंग वॉच 4 जो कि न्यूली लॉन्च है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी और सब। मैं आपको इसके बारे में पूरा रिव्यू डिटेल में दिखाने वाला हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये घड़ी किस में आती है, कैसा बॉक्सिंग होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, मैं सब पहले आपको बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये है वॉच 4 का बॉक्स जो इस तरह से आता है। इसके अंदर आती है ये वॉच जो कि इस तरह से रखी हुई होती है। इसके अंदर से हमको इस तरह से ही निकालनी होती है। इसके साथ स्ट्रैप भी अंदर जुड़ा हुआ ही आता है, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर ये लेफ्ट साइड पे ये जो ऊपर का बॉक्स होता है उसके अंदर आता है ये और एक बॉक्स जिसके अंदर होता है यूजर मैनुअल्स और सब इंस्ट्रक्शन, और आता है चार्जर का वायर जो कि मैग्नेटिक चार्जर होता है इस तरह से, और USB टाइप ए से उसको आप एडाप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से वॉच में जुड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि ये खाली टैप करने से ही आपकी वॉच में जुड़ सकता है इस तरह से। आपको इसके लिए कोई भी प्रेशर देने की या किसी भी पुश करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चिपक जाता है वॉच के साथ इस तरह से। पर इसके लिए आपको एडाप्टर अलग से परचेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एडाप्टर पहले से ही है तो वो भी चल सकता है इस वॉच 4 के लिए। अब मैं दिखाता हूँ कि इस घड़ी का मटेरियल कैसा है, किससे बना है और इसके स्ट्रैप की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इधर घड़ी के पीछे ब्रांडिंग की है, घड़ी के पीछे का मेटालिक फिनिश है, साइड पर भी आप देख सकते हो, फिर आगे ग्लास का है। इसके ऊपर मैंने अभी स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है तो इसमें शायद पता ना चले वीडियो में। इधर साइड पे दो बटन दिए गए हैं, एक मेन होम बटन जिसके आजू बाजू इस तरह की रेड लाइन की गई है जिससे पता चले कि ये मेन होम बटन है। इसके नीचे एक और बटन दिया गया है जो कि है बैक बटन। इसकी स्ट्रैप की बात करें तो इसमें स्ट्रैप नॉर्मल घड़ी जैसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रैप इधर घड़ी के शेप का ही दिया गया है। देखिए, इसका स्ट्रैप सिलिकॉन मटेरियल का है जो कि बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का है। इधर पीछे उसके स्ट्रैप रिमूव करने की भी फैसिलिटी दी गई है। इसका स्ट्रैप 20 mm का आता है, आप देख सकते हैं, और इधर भी अलग पैटर्न का स्ट्रैप दिया गया है। तो मैं आपको ये पहन के भी दिखाने वाला हूँ कि कैसी लगती है, कैसे फिट होती है, सब दिखाने वाला। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये घड़ी हाथ में कैसी लगती है, फील करने में कैसी और लुक में भी कैसी है, वो मैं आपको हाथ में पहन के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको पहनते हैं कुछ इस तरह से। इसमें फिट करने के लिए आपको इसके अंदर ऐसे इस तरह से डालना होता है। तो गाइस, ये देखें, इस तरह की घड़ी आपके हाथ में लग सकती है। ये लुक में भी बहुत ही अच्छी है, क्लासिक लुक देती है ये एकदम। और आप इसको कहीं पे पहन के जाते हैं तो अलग एक फील देती है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या आता है और इसका डिस्प्ले कैसा है। तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। इसका डिस्प्ले आता है फुल एमोलेड डिस्प्ले। ये मैंने जो मेरे पास है अभी वो 44 mm का डायल है जो एकदम अच्छा और बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं इसके फीचर्स आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ऊपर से स्वाइप करते हैं नीचे की ओर तो सबसे पहले खुलता है क्विक पैनल। इसके अंदर आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं, इधर से आप ऐड भी कर सकते हैं और शॉर्टकट्स। अगर आप इस नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं तो आपकी वॉच में खुलता है वो एप्स का आइकॉन्स
जो कि इस तरह से आपको दिखता है। इसमें आप प्ले स्टोर से भी और एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके वॉच के लिए अवेलेबल हो। इधर आपको प्ले स्टोर का आइकॉन दिया गया है जिससे कि आप ऐड कर सकते हैं मोर एप्स। इस बार ये वॉच 4 में सैमसंग है, टाइजन ओएस और वेयर ओएस का दोनों का मिक्सचर आपको इस घड़ी में दे दिया है जिससे कि आप सैमसंग और गूगल दोनों की एप्स आप अपने वॉच में चला सकते हैं। अब आप अपने वॉच में आप अगर आप राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो इधर आप शॉर्टकट मेन्यूज देख सकते हैं जैसे कि आपका डेली गोल, इधर इधर स्ट्रेस का दिया गया है, ये स्ट्रेस है, ये हार्ट रेट है, ये बॉडी कंपोजिशंस है, ये स्पोर्ट्स के आइकॉन्स हैं, ये कैलेंडर कॉन्टेक्ट और सब आप इधर ऐड भी कर सकते हैं और टाइल्स, और आप मोबाइल में से भी अपनी टाइल्स मनपसंदीदा टाइल्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हो तो इधर आते हैं आपके नोटिफिकेशंस। जो भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आते हैं वो इस तरह इधर आपको दिखते हैं। अगर आप ये वॉच फेस को इस तरह से आप 2 सेकंड क्लिक करके रखते हो तो आपके इधर और भी वॉच फेसेस अवेलेबल हो जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप इसको खाली क्लिक ही करना होता है जिससे कि वो अपने आप सेट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घड़ी के मेन फीचर्स, जो इस घड़ी के मेन फीचर्स हैं जैसे कि स्ट्रेस मेजरमेंट, ऑक्सीजन मेजरमेंट, बॉडी कंपोजिशन, हार्ट रेट मॉनिटर, सब मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सबको मेजर किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नीचे से ऊपर स्वाइप करना होगा जिसमें आपको सैमसंग हेल्थ का आइकॉन दिखेगा जिसके अंदर जाके आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले दिखता है बॉडी कंपोजिशन। उसमें स्क्रॉल डाउन करके इधर नीचे आता है मेजर। इसमें आपको अपना वेट, सबसे पहले इसमें जो आपका वेट होता है वजन वो आपको इसमें डालना होगा। तो मैं अभी 63 को करके कंफर्म दबाता हूँ। इसमें आपको ये दो बीच की दो उंगली होती है, मिडल फिंगर्स दो, उसकी मदद से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी घड़ी को इस तरह से पीछे करना होगा, सबसे टाइट ऐसे इस तरह से कर देनी है। उसके बाद आपको अपने ये दो फिंगर्स का इस्तेमाल करके इधर अपने दो फिंगर्स रखनी है और ध्यान रखना है कि ये दो फिंगर्स वाला हाथ इस तरह से हवा में ही रहे, इस तरह से जॉइंट ना हो दो हाथ। तो इस तरह से आप इसमें मैक्सिमम 2 या 5 सेकंड ही लग सकते हैं। तो इस तरह से आप मेजर करके अपना सारा डेटा जैसे कि वेट, बॉडी फैट, स्केलेटल मसल्स, फैट मास, बॉडी फैट, BMI, बॉडी वाटर, कैलोरीज कितनी बर्न हुई, सब आप इसमें देख सकते हैं इसकी मदद से इस तरह से। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सैमसंग ये डेटा प्रोवाइड करता है, ये जो बॉडी फैट या वेट या ये स्केलेटल मसल्स का जो ये मेजरमेंट हमको देता है वो फुल एक्यूरेट होता है। जो हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं उससे कहीं 99.9% आप कह सकते हैं कि वो मैच होता है, मतलब कि ये फेक नहीं है ये फीचर। फिर हम जाते हैं हार्ट रेट की ओर। तो हार्ट रेट में सिंपली आपको सेम प्रोसेस करनी है कि ये पीछे इस तरह से आपको ले जानी है घड़ी को और ये मेजर का बटन दबा देना है। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 5 सेकेंड का ही वेट करना होता है, उसमें आपका पूरा डेटा आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फुल 100% हो गया है और अभी मेरा हार्ट रेट है 104। अब नेक्स्ट फीचर आता है जो कि है स्ट्रेस मॉनिटर। तो इसमें स्ट्रेस मॉनिटर में भी सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको घड़ी को इस तरह पीछे करनी है और ये मेजर का आइकन दबा देना है। तो इसमें आपको थोड़ी देर लग सकती है जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि 2 से 5 सेकेंड, पर इसमें आप 3 से 7 सेकेंड
इसमें लग सकता है, तो आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप अब मेरा ये हार्ट स्ट्रेस मॉनिटर हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी ग्रीन लाइन में ही है, जो वाइट डॉट है वो आपको देखना पड़ता है कि वो अभी ग्रीन लाइन में ही है। अगर ये डॉट ये रेड लाइन में होता है तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर आता है ब्लड ऑक्सीजन। ब्लड ऑक्सीजन में भी सेम प्रोसेस है, पर उसमें एक स्टेप ऐड होता है कि आपको ये जो अपना हाथ होता है वो अपने हार्ट के साथ इस तरह से आपको रखना होता है, एक टेबल पे इस तरह के पोस्चर में। तो इस तरह से पोस्चर में हम ये मेजर का बटन दबा देते हैं और इस तरह से हमको रखना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑक्सीजन मेजर हो चुका है, जो कि है 98%, जो कि बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी तरह से वो दिखाता है। इसमें और भी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि फूड कैलोरीज आप मेजर कर सकते हैं, पर वो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। इसमें वाटर ग्लास का भी फीचर दिया गया है, जिसमें आप अपने वाटर का डेली टारगेट आप सेट कर सकते हो कि मुझे इतने ग्लास पानी पीना ही है। तो उस तरह से आपको जितने ग्लास आप पानी पियो उतने ग्लास को आप प्लस करना होता है, वो भी मैनुअल प्रोसेस है। इधर सब स्पोर्ट्स के फीचर्स दिए गए हैं, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस वॉच में क्या क्या अंदर सेटिंग्स में आता है। सेटिंग्स में खोलने के बाद हम स्वाइप डाउन करते हैं, तब इधर आता है अबाउट वॉच। इसमें आप अपने मॉडल नंबर और वगैरह वगैरह देख सकते हैं। फिर इधर आता है स्टोरेज, तो इसमें आती है 16 GB की स्टोरेज, इनबिल्ट स्टोरेज। इसमें आप मेमोरी कार्ड या कुछ नहीं डाल सकते। अगर आप इसमें स्क्रॉल डाउन करें तो इधर सबसे लास्ट में आता है बैटरी का ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें है 361 mAh की बैटरी, जो कि इस घड़ी के लिए बहुत ही अच्छी बैटरी दी गई है, बढ़िया mAh की बैटरी है। इसमें आता है 5 V का चार्जिंग, मतलब कि नॉर्मल स्पीड होती है, जो इसमें कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। इसमें सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आता है 1UI 4 का सॉफ्टवेयर, जो कि होता है एंड्रॉयड वर्जन 11। अब हम बात करते हैं इसके एडवांस फीचर्स की, तो इसमें एडवांस फीचर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले है वाटर लॉक का ऑप्शन, मतलब वाटर लॉक मतलब आप अगर स्विमिंग करने के लिए ये घड़ी पहन के जाते हैं, जैसे कि ये IP68 आपको प्रोवाइड करती है, तो आप इसको स्विमिंग के लिए आराम से पहन के जा सकते हैं। अगर आप स्विमिंग के लिए इसको पहन के जाते हैं तो इसमें आप नोटिस करते होगी कि इसका स्पीकर है और ये घड़ी है, उसमें आपको कई बार ये ऐसे टच करने में इश्यू आता है पानी के कारण। तो इसमें ये फीचर दिया गया है वाटर लॉक का, जिसमें आप इसको ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन आपकी उंगलियों से नहीं चलता, आपको ये होम बटन 2 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना पड़ता है, तभी स्क्रीन वर्किंग चालू होती है फिर से। इसमें आपको SOS का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, मतलब सेव माई सोल का ऑप्शन। इसमें आता है कि 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है होम की जो ये होती है होम की ऊपर वाली, वो आपको 3 बार प्रेस करने से जो आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपने फ़ोन में सेव किए हैं उसको आप ये 3 बार प्रेस करने से ही उसको कॉन्टैक्ट हो जाएगा और मैसेजेस चले जाएंगे इमरजेंसी। फिर ये नीचे है दूसरा ऑप्शन है हार्ड फॉल डिटेक्शन, मतलब कि आप अगर ये घड़ी पहन के आप गिर गए हो या एक्सीडेंट हो गया है आपका, तो ये हार्ड फॉल डिटेक्ट करती है और आपको 60 सेकेंड्स तक आपको आप वो घड़ी आपकी वेट करती है कि ये जिसके हाथ में है वो रिप्लाई करता है या बंद करता है या नहीं। अगर वो होश में नहीं है और इसको नहीं कर सकता ये अलर्ट को, तो 60 सेकेंड्स के अंदर वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मैसेजेस भेज देती है ये घड़ी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी परमिशन। खाली आपको एक बार अपने फ़ोन में ये हार्ड फॉल डिटेक्शन का ऑप्शन ऑन करना है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करना है। सो दोस्तों, ये घड़ी मैंने S22 Ultra के साथ जो कॉम्बो ऑफर अभी चल रही है कि 26,000 की घड़ी 3,000 में आपको मिलती है ये वॉच 4, वो उस कॉम्बो में मैंने ये परचेस की है। तो वो
बहुत ही बढ़िया एक बेनिफिट मुझे मिला है फोन के साथ। दोस्तों आपको ये घड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप इसे परचेस करने वाले हैं या नहीं मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।